प्रातः क्लास चल रहा था 29/10/1966 शनिवार को तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि महाभारी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी हुई है। ये वो ही लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले हुई थी। महाभारत प्रसिद्ध लड़ाई है। अभी तो ये मृत्युलोक है। और महाभारत लड़ाई सामने खड़ी हुई है, इसका मतलब है मृत्युलोक का अंत है और अमर लोक की आदि है। वेद में मृत्युलोक क्या है, अमर लोक क्या है? ब्राह्मणों की दुनिया में मृत्युलोक है, आज बाप के बच्चे बने, जन्म हुआ निश्चय बुद्धि बने और कल मृत्यु हो जाती है, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं, बाप के ऊपर अनिश्चय आ जाता है। मना घड़ी घड़ी मृत्यु और जन्म का चक्कर चल रहा है। तो मृत्युलोक है या अमर लोक है? बाप कहते हैं ये मृत्युलोक का भी अंत है और अमर लोक की आदि है। मना अमरनाथ बाप जो बहुत ऊंची स्टेज में दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में, अमर देवताओं को कहा जाता है, देवताओं का नाथ अमरनाथ, वो अमरनाथ अब प्रत्यक्ष होने वाला है। बहुत ऊंची स्टेज है। किसकी? अमरनाथ की। अमरनाथ बाप प्रत्यक्ष हुआ, माना अमर लोक की आदि हुई। कैसे? बताया है जो देखे इन आंखों से उसको सदा काल का निश्चय हो जाए, मृत्यु हो गई नहीं अनिश्चय रूपी। जो देखे जो कानों से दो शब्द भी सुने, जो बाप कहते हैं मेरे मुख से दो शब्द भी सुना, तो अमर लोक में क्यों नहीं आवेगा? तो ऐसी ऐसी मुख्य बातें कंट्रास्ट करके लिख करके बाबा अभी ये तो इसमें तो कोई तकलीफ नहीं, ये बात तो हम एक रोज में लिख सकते हैं,
कि ये अभी ब्राह्मणों की दुनिया में मृत्यु लोक है। बाहर की दुनिया में तो मृत्यु लोक है ही, सामान्य ब्राह्मण जो बेसिक नॉलेज वाले ब्राह्मण हैं, उनमें भी मृत्यु लोक तो है ही, परंतु जो एडवांस ज्ञान लेने वाले ब्राह्मण हैं, उनका भी अभी मृत्यु लोक चल रहा है। घड़ी घड़ी जन्म लेते हैं, घड़ी घड़ी मृत्यु में जाते हैं। तो ये मृत्यु लोक और अमर लोक का कंट्रास्ट तुम एक रोज में लिख सकते हो। ये बहुत अच्छी तरह से बैठ करके लिख सकते हैं। ये तो जो है प्रदर्शनी, उसमें एक बोर्ड लिखो, उनमें अच्छे बड़े अक्षरों में वो लिख सकते हैं। तो बहुत मुख्य बातें हैं यहां की, वो बातें तो झट छप जानी चाहिए। अभी मैं लिख देता हूं ना प्रदर्शनी में, अगर ये ना होगी मुझे रिपोर्ट मिलेगी, ना होगी तो मुझे रिपोर्ट मिलेगी। मैं समझूंगा कि दिल्ली वाले भी पत्थर बुद्धि बन गए हैं, शायद पत्थर बुद्धि बन गए। उनको ग्रहाचारी बैठ गई है, क्योंकि ग्रहाचारी तो झट बैठ जाती है ना। कौन सी ग्रहाचारी है? माया की ग्रहचारी कौन कौन सी है? बाप की ग्रहचारी है, वृक्षपति की ग्रहचारी, सारा मनुष्य षष्ठी रूपी झाड़ जिसका बीज एक ही बाप है, जो वृक्षपति कहा जाता है, उसकी ग्रहाचारी तो अच्छी होती है। तो दिल्ली वालों के ऊपर कौन सी ग्रहाचारी बैठ गई? राहु की ग्रहाचारी बैठ गई। और काठमांडू वालों के ऊपर तो देखो, ग्रहाचारी तो झट बैठ जाती है। किसकी? दस सिर वाले रावण की ग्रहाचारी। अरे बच्ची, आज बाप को कहते हैं मैं आपका बच्चा हूं, आपका बच्चा हूं अर्थात मैं गोल्डन एज में जाता हूं, गोल्डन एज क्या है? सत्य का युग। उसमें भी नंबर बार हैं,
या एक जैसे हैं? फर्स्ट नारायण प्लस में फर्स्ट, सेकंड नारायण, थर्ड नारायण, एक से एक चढ़ती कला वाले नारायण, और एक से एक उतरती कला वाले नारायण। तो जो निश्चय बुद्धि बनते हैं, कहते हैं मैं आपका बच्चा हूं, उस समय कौन सी गोल्डन एज में है? है सतयुग के फर्स्ट जन्म में है ना। आज कहते हैं गोल्डन एज में हूं, कल छुट्टी देते थे, छुट्टी देते थे, वो हुए पत्थर के पत्थर बुद्धि। अरे सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना, कब की बात? संगम युग में 36-37 में सेकंड में जीवन मुक्ति हो गई, संगम में 47 में किसी की हुई? अच्छा बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया 76 में, तब कोई की जीवन मुक्ति हुई है? जीवन मुक्ति 76 में किसी की नहीं हुई है? राम बाप की हुई, वो नहीं मरता। राम बाप मृत्युलोक में नहीं होता, होता है ना, है साकार में, हाँ हाँ साकार शरीर में ही हो करके जीवन मुक्ति गाई जाती है। तो एक राम की हुई कैसे है? है जो बोला था 10 वर्ष रह गए हैं, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी और नई दुनिया आरंभ हो जाएगी, कब? 76 में। तो झूठ बोला था क्या? सत्य बोला था, ब्रह्म वाक्य था। ब्रह्मा के वाक्य तो पत्थर की लकीर होते हैं, तो जरूर कोई है जो अटल निश्चय बुद्धि बनता है, उसके निश्चय को कोई हिलाए नहीं सकता है। किसकी गाई हुई है जीवन मुक्ति? शास्त्रों में वो नाम क्या है? है जनक की जीवन मुक्ति गाई हुई है। जनक माने क्या होता है? जन, जनन प्रक्रिया करने वाला फर्स्ट, फर्स्ट का नाम लेते हैं। इसे बाबा कहते हैं कि अर्जुन तो बहुत हैं, लेकिन नाम किसका लेते हैं? पहले का नाम लिया जाता है। तो
जनक का अर्थ क्या हुआ? जनन करने वाला, अव्वल नंबर में जनन करने वाला, जन्म देने वाला कौन हुआ है? सारी सृष्टि का जन्मदाता कौन हुआ? ये सृष्टि वृक्ष है तो उसका जन्मदाता बीज कोई बाप भी होना चाहिए, उसके लिए गाया हुआ है जनक ने एक सेकंड में जीवन मुक्ति पाई, गाई हुई है ना बच्चे। बस बाप को याद किया और ये हमको जीवन मुक्ति मिली। पारस बुद्धि बने, क्या मतलब? ये पारस बुद्धि क्या होता है? पारस का क्या गायन है कि पारस पत्थर को जहां भी जिस लोहे से स्पर्श करा दो तो क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। तो बताया पारस बुद्धि बने कौन? 76 में पारस बुद्धि बने कौन बने? जनक, जन्म देने वाला, नए सृष्टि रूपी झाड़ को जन्म देने वाला। कैसे पारस बुद्धि बना? वो पारस का तो गायन है कि लोहे से छू दिया तो गोल्डन एज बन गया, सोना बन गया। ये कैसे साबित होता है? है, है। बुद्धि से ही ज्ञान समझा जाता है, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। ये मन बुद्धि रूपी आत्मा के द्वारा जिन जिन आत्माओं से स्पर्श होता है, जिन जिन आत्माओं को छूता है, उनकी बुद्धि को स्पर्श करता है, कई के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तो वो पारस बुद्धि बन जाते हैं। पारस बुद्धि बन जाए माना जो पारस बुद्धि बना वो जिस जिस कलयुगी लोहे के पात्र को, लोहे समान पार्ट बजाने वाली पार्टधारी आत्मा को स्पर्श करेगा, टच करेगा, तो वो भी क्या बन जाएगा? वो भी पारसनाथ बन जाए। और यहां तो वो बुद्धि संशय हो जाती है। कहां की बात बताई है? यहां माने कहां? 66 की बात बताई कि या तो वो मन बुद्धि रूपी आत्मा ही क्या बन जाती है? संशय बुद्धि, क्या कहने है? विनश्यते। वो ही फिर जो विनश्यते हो जाते हैं, बाप के ऊपर संशय बुद्धि हो जाते हैं, वो ही फिर पत्थर बुद्धि के पत्थर बुद्धि। समझा ना? ये बात 66 में ही लागू होती थी या अभी भी लागू हो रही है?
अभी भी लागू हो रही है। इसलिए बाबा बहुत पक्का पहाका भी देते हैं, देखो मैं कौन, शिव बाप, देखो मैं कितना इनको संगारता हूं। किनको है, इनको क्यों कहा? ब्रह्मा को कहा होता अकेले तो इसको कहा होता, इनको और इसको में अंतर नहीं है, नहीं है तो किनको है? अकेली राम वाली आत्मा को, राम और कृष्ण दोनों ही आत्माओं के लिए बोला कि देखो मैं कितना इनको श्रृंगारता हूं। काहे से? ज्ञान रत्नों से, गुण रत्नों से कितना श्रृंगारता हूं, सौ सौ करीश श्रृंगार करता हूं। फिर क्या होता है? फिर देखा तो खोदरे का बच्चा खोदरा, क्या खोदरे का बच्चा खोदरा ही निकला। अरे भाई अर्थ तो सुनो, वो खोदरे गधे होते हैं, खोदरे को गधा कहा जाता है, तो धोबी उठा करके जाते हैं ना, क्या उठा करके जाते है? अरे शरीर रूपी वस्त्र, बेहद ब्राह्मणों की दुनिया की बात हो रही है, तो क्या उठा करके जाते हैं? धोबी शरीर रूपी वस्त्र उठा कर जाते हैं ना, ये शरीर रूपी वस्त्र किसके ऊपर उठा कर जाते हैं? है? गधे के ऊपर उठा के जाते हैं। तो धोबी को वो अच्छी तरह से बढ़ाए करके कपड़ा धो करके सुखा करके रख करके जाएगा। वो खोदरा कोई वक्त में उनको आदत होती है ना, किनको? खोदरे को, गधे को आदत होती है ना, मिट्टी में लेट जाने की आदत होती है। कितनी कितनी मेहनत करके जाते हैं धोबी, क्या क्या बताया है, उस गधे को अच्छी तरह आगे बढ़ाए करके कपड़ा धो करके फिर सुखा करके उस गधे के ऊपर रख कर जाएगा, तो खोदरा कोई वक्त में, क्योंकि उनको आदत होती है ना, देह अभिमान की मिट्टी में लौट जाने की आदत होती है। ये आदत कब पड़ी? अरे द्वापर युग से पड़ी, 63 जन्मों में आदत पड़ी। तो मिट्टी में लेट करके धोबी का सारा कपड़ा खराब कर देता है। तो इसके ऊपर
सभी वो हैं क्या जो बोलते हैं? किसी ने कहा पहाका बोलते हैं। हाँ पहाका पहेलियां, कि ये तो एकदम गधे जैसे बन गए। कौन है ये पहाका? किसके ऊपर बताया? अरे अकेले राम के लिए। ये माना बहुवचन है। ये गधे जैसे बन गए हैं एकदम। राम और कृष्ण वाली आत्मा क्या बन गई? गधे जैसी बन गई, एकदम गधे जैसी। कुत्ते बिल्लियां जैसी बन गए। बाबा को बहुत गुस्सा आ रही है। उनको किनको है? राम और कृष्ण को मैं इतना श्रृंगार कराता हूं, है कितना माने कितना है? अरे बेसिक में भी श्रृंगार कराया और हायर क्लास में भी श्रृंगार कराया। श्रृंगार कराते कराते अच्छी तरह से श्रृंगार कराते कराते बरस बरस श्रृंगार कराते कराते दो बरस तीन तीन बरस श्रृंगार करता रहता हूं, फिर भी वो विकार में जाकर के खोदरे के खोदरे बन जाते हैं। वो माने कौन? राम और कृष्ण की आत्मा, बाकी तो कोई नहीं है ना। फिर भी वो विकार में जाकर के खोदरे बन जाते हैं। अच्छे से अच्छा श्रृंगार कराता हूं किनका? राम और कृष्ण का अच्छे से अच्छा श्रृंगार कराता हूं। इसके ऊपर बाबा बहुत पहाके भी देते हैं कि ये जो रीढ़ होती है ना, क्या रीढ़ बकरी कहते हैं ना, रीढ़ माने बेड़े, ये जो रीढ़ होती है ना, भेड़िया होती है ना, तो उनको ऐसे क्या देखा है कभी तुमने भेड़िए का झुंड? तो जैसे वो मुसलमान जब वो नमाज पढ़ते हैं ना ईद की, तो कपड़ा बहुत अच्छा अच्छा करके फिर ईद के ऊपर जाकर के ऐसे ऐसे नमाज करते हैं। कैसे देखा है कभी? कैसे कैसे नमाज करते हैं है? तो उसका जो पीठ देखने में आता है ना, किसका? नमाज के टाइम जो पीठ देखने में आता है ना, बड़ी रंग बिरंगी देखने में आती है। नहीं नहीं कपड़े पहनते हैं ना, वो रीढ़ बड़ी रंग बिरंगी देखने में आती है। दूर से देखो जैसे भेड़ियों का बड़ा भारी एक झुंड, तो भेड़िया भी जो होते हैं ना
उनको भी मनुष्य कोई उसका होता है दिन ऐसा, उनको भी रंग लगाते हैं। किनको? भेड़ों को। फिर भेड़ियों का झुंड, इनकी नमाज का झुंड हूबहू तुमको एक जैसा देखने में आएगा। तुम कभी फोटो निकाल करके देखो तो वो भी ऐसे जो होती हैं रंगीन, कौन? भेड़े। और वो भी कपड़ा करके जब ऐसे झुकते हैं, कौन? मुसलमान। सभी एक साथ झुकते हैं। उस समय में कोई फोटो निकाले तो भेड़िया का भी फोटो निकल गया, उनका भी निकालो। किनका है? मुसलमानों का। नमाज पढ़ते समय फोटो निकालो। भेड़िया जो रंग बिरंगी होती हैं, उनका भी निकल गया। दोनों का फोटो एक जैसा इक्वल देखने में आएगा। क्या बात किसकी हो रही थी? है राम और कृष्ण की बात हो रही थी। अब ये राम कृष्ण की बात हो रही थी, उसमें ये भेड़े कहां से घुस पड़ी? और ये मुसलमान कहां घुसर दिए? क्या मतलब हुआ? बताया कि अभी तुम बच्चे कैसी चाढ़ी चढ़ रहे हो संगम युग में। ऊपर से नीचे वाली सीढ़ी उतर रहे हो या नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहे हो? तो चढ़ते चढ़ते कहां तक पहुंच गए? मिसाल दिया। किसका मिसाल दिया? भेड़ों का मिसाल दिया और मुसलमानों की नमाज का मिसाल दिया। उन भेड़ों को सिंधी में रीढ़ कहते हैं। भेड़ों को तो उनके ऊपर भी पहाका है। रीढ़ बकरियां क्या जाने क्या पहाका बताया मुरली में है। हाँ, सुरमंडल के साज को रीढ़ बकरियां क्या जाने। क्या समझे राग से जिनकी बोली ऐसी हो, समझा ना? सुरमंडल के साज से, यानी बाप जो ये बैठ करके ज्ञान का वो साज तुमको सुनाई रहे हैं, ये सांढे जो होते हैं ना, देखा है सांढे को? वो उसके ऊपर
भाड़ भर झाड़ के ऊपर जाते हैं, जिसका तेल निकालते हैं उसके ऊपर में कांटे होते हैं और पूंछ होता है, तो उनको अहंकार, किसको? सांढे को। बस उनको पत्थर मारो, सांढे को पत्थर मारो तो ऐसे 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 करते रहेंगे। उसको कहते हैं सांढे। तो यहां भी तो देह अभिमानी है, उनको हम लोग सांढे कहते हैं। देह अभिमानी को हम लोग सांढे कहते हैं। वो सांढे देह अभिमानी जो सुरमंडल का बाप आकर के ये ज्ञान सुनाते हैं, जिससे आत्मा अपने स्वीट होम चली जाएगी, अब वो सांढे उस सुरमंडल के साज को क्या समझे? समझा ना? जिससे आत्मा अपनी चली जाएगी अपने स्वीट होम में, तो वो क्या समझे? ये मिसाल बहुत देते हैं। अब ये भेड़िया तो नहीं, तो मनुष्य अभी भेड़ियों से भी बदतर हो गए हैं। बंदर जैसे हो गए हैं। बाप आते हैं, खुद आते हैं, है? क्या नाम पड़ता है? खुदा आकर के इनको सिर्फ बहुत सीधी सीधी बातें समझाते हैं। भाई ये देह अभिमान छोड़ो, किनको समझाते हैं? इनको माना किनको है? राम और कृष्ण को समझाते हैं, ये देह अभिमान छोड़ो, अभी आत्मा अभिमानी बनो। माना किसको बोला है? राम कृष्ण की आत्माओं को बोला, ये देह अभिमान छोड़। कौन सा देह अभिमान? दोनों आत्माओं के बीच में, दोनों में देह अभिमान है या एक में है एक में नहीं है? दोनों में। रावण के सिर पर जो गधे का शीश दिखाते हैं वो काय की निशानी है? देह अभिमानी की निशानी है। उस देह अभिमान से ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की पैदाइश होती है। देह अभिमान नहीं होगा या कंट्रोल में होगा तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ नहीं सकते। तो माया रावण पर विजय पानी है तो क्या करना है?
है आत्माभिमानी पक्का बनना है, देह अभिमान छूट जाता है। जब देह अभिमान छूट जाता है तो क्या रिजल्ट आएगा? राम और कृष्ण का रिजल्ट क्या आएगा? है रिजल्ट आएगा कि वो देह अभिमानी सांडे के ऊपर राम वाली आत्मा सवार हो जाएगी। अभी क्या है? अभी क्या है? सांडा माने बैल। अभी बैल शंकर पर सवार है या शंकर बैल पर सवार है? है बैल शंकर पर सवार है। तो दोनों देह अभिमानी हो गए या एक हुआ? कोई में भूत आता है, काम का भूत हो क्रोध का भूत हो, तो जिसमें भूत आता है उसको भी अपने जैसा बनाए देता है ना? नहीं बनाता है, बना देता है। तो ऐसे ही जो राम बाप वाली आत्मा है वो भी देह अभिमानी सांडा बन जाती है। कब? जब उसमें बैल सवार होता है। तो बाप कहते हैं ये देह अभिमान छोड़ो, अभी आत्मनिर्भर बनो, आत्माभिमानी बनो। बाप कहते हैं तो भी फिर देह अभिमानी बन जाते हैं भाई, देह अभिमान छोड़ो। फिर बिगड़ पड़ते हैं। ऐसे ऐसे वो क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं ना। जब गुस्सा करते हैं तो उनको कहते हैं सांढे। तो दोनों क्या हो गए? सांढे। कोई मिसाल है इस दुनिया में? अरे दो बैलों की कोई मिसाल नहीं है। क्या मिसाल है? है जब कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी तो निशान क्या था उनका? दो बैलों की जोड़ी। तो बाप बैठ करके ये बातें अच्छी तरह से समझाते हैं। तो भले आएंगे वहां बहुत ही आएंगे, वहां बहुत ही बिगड़ेंगे। कहां गे? भविष्य की बात बताई या 66 की बात बताई? है उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना। तो चढ़ते चढ़ते मुसलमान और इस्लामियों के युग में पहुंचे। तो जिस युग में पहुंचेंगे तो क्या होता है? भारतवासी उन उन धर्मों में कन्वर्ट होते जाते हैं ना। तो मिसाल दिया, भले आएंगे वहां बहुत ही आएंगे। कहां? वहां माने कहां? है 76 के बाद
बहुत आएंगे और बिगड़ेंगे बहुत। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा देखी है, सुनी है? क्या होता है जब वो शरीर रूपी रथ की यादगार है और वो रथ चलाते हैं तो बहुत बिगड़ते हैं, गालियां देते हैं। रथ धक्का देके चलाते भी जाएंगे और क्या करते जाएंगे, बहुत गालियां देते हैं। नहीं पर ये तो बहुत सीधी समझने की बातें हैं, क्यों बिगड़ते हैं? है अरे वो धक्का देके रथ चलाने वाले सैकड़ों लोग होते हैं, वो क्यों बिगड़ते हैं? है कि मानता ही नहीं है? ये मान जाए तो सारा काम हो जाए। तो ये समझने की बड़ी सीधी बातें हैं जो बाबा कहते हैं कि लिख करके उसमें एक बात ही लगा दो। एक ये भी तो लगा हुआ है, ये भी बड़े अक्षरों में लिख दो तो जो जो भी मुख्य मुख्य बातें हैं वो बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। ये सीढ़ी भी जो बनाते हैं, सीढ़ी तो इतनी बड़ी, दीवार जितनी, छत इतनी बड़ी, जैसे ये 9x6 है ना, इतनी बड़ी सीढ़ी बननी चाहिए। क्यों, बड़ी बनाने की क्या जरूरत? ताकि अंधे की औलाद अंधों को समझ में आए। बड़ी क्लियर एकदम दिखाई दे। यहां ही एक दो देखें तो वो भी समझानी देवे और समझाते समय डायलॉग भी करना चाहिए। समझा ना? सीढ़ी में चित्र है, नंगन करने का एक स्त्री दिखाई है, वो नगन करते हैं तो वो बात शिव बाबा कहते हैं। उनका वो जो ससुर है वो छोकरे का बाप, वो भी लाठी लेकर के आ जाता है। क्या कहता है? इनको मूत दो, विख दो। बिचारी पुकारती है किसको? क्या लिखा हुआ है? हा शिव बाबा बचाओ। तो वो भी डायलॉग बनाना चाहिए ऐसे ऐसे, एक जगह में वो डायलॉग और दूसरी जगह में
बिख दो, नहीं तो मैं मारता हूं। छुरी मार लेता हूं। वो डर जाती है, पांव पड़ती है, ये करती है वो करती है, कहती है छुरी नहीं मारो। शिव बाबा को याद करो, ऐसे ऐसे दो तीन किस्म के, क्योंकि किस्म भी तो तुम बच्चों को मालूम है ना सब, कि ऐसे ऐसे किस्म के डायलॉग होते हैं। छुरी भी खाते हैं, जहर भी देते हैं, मूत मूत बिख जहर। मैं इस जहर के बगैर रह नहीं सकता हूं, इसलिए मैं मरता हूं। उस जहर के बगैर मैं मरता हूं। ऐसे ऐसे आजकल साथ साथ डायलॉग बनाओ, चित्र पूरा होवे, बाकी जब ही कोई समझने आवे ना, उस सीढ़ी में वो डायलॉग बैठ करके दिखलाओ, और उसमें ये दिखलाओ कि भगवान वाच है, ये सब का अंतिम जन्म है। अभी तुम मेरे को याद नहीं करते रहेंगे, याद नहीं करते रहेंगे अभी, कब की बात बताई है, 76 के बाद की बातें बताए रहे हैं, अभी भी वो बातें लागू होती हैं। बाप कहते हैं अभी तुम मेरे को याद नहीं करेंगे तो तमोप्रधान से सतोप्रधान कैसे बनेंगे, क्या तरीका बताया है, तरीका बताया कि जन्म जन्मांतर की जो हेर पड़ी हुई है, बुरी आदत पड़ी हुई है, तो उस आदत के ऊपर विजय पाने के लिए तरीका बताते हैं। क्या तरीका बताया है, मैं तो कहता हूं कि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो 76 के बाद 40 कब पूरे होते हैं है, 2016, और संपूर्णता वर्ष बताया 1977, तो एक वर्ष और जोड़ दो तो कितना आया, 2017-18 आठ रहे, तो टाइम तो बता दिया। अभी टाइम बहुत थोड़ा है या लंबा है, अभी तुम मेरे को याद नहीं करते रहेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे, भले मैंने बता दिया, क्या तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तुमको कम से कम 40 वर्ष लगते हैं,